कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, और इससे पहले मैंने दो बार लोको पायलट को क्रैक किया है। उसको आइए जानते हैं इस वीडियो में लोको पायलट कैसे बने इन हिंदी। मैं आपको इस वीडियो में सभी टॉपिक के बारे में, आपके जितने भी सवाल होंगे लोको पायलट बनने के बारे में, सारे के सारे आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी, बिल्कुल इसी वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर बिल्कुल लास्ट तक जरूर से जरूर देखें, पूरा जरूर देखिए, या फिर डाउनलोड कर रख लीजिए, फ्यूचर में देख सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं, इसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक को हम लोग टच करने वाले हैं। बेसिक क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, टेक्निकल क्वालिफिकेशन में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, एज लिमिटेशन यानी कि कितना से कितना एज वाले व्यक्ति इसको भर सकते हैं, उसका देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, फिर देखिए वैकेंसी टाइमिंग से क्या रहती है, कितने साल के अंतराल पर आती है लोको पायलट की वैकेंसी, क्या अपीयरिंग वाले भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते, या फिर इसका अगली वैकेंसी कब आएगी, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा लोको पायलट के लिए, उसका फिर हम बात करेंगे एग्जाम्स सिलेबस और पैटर्न के बारे में। और इससे पहले जान लीजिए, मैं हूं अभिषेक और मैंने दो बार लोको पायलट एग्जाम को पास किया, क्रैक किया, और अभी मुजफ्फरपुर से, और फिलहाल मैं 4-5 सालों से लोको पायलट एग्जाम्स की तैयारी करवाता हूं स्टूडेंट को। अब तक हमने 1000 स्टूडेंट को लोको पायलट बना दिया हूं, और आप भी अगर हमारे कोचिंग को जुड़ करके आप लोको पायलट बनना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहला टॉपिक, और वो टॉपिक है आपका बेसिक क्वालिफिकेशन। देखिए आपका सबसे पहला जो क्वालिफिकेशन है वो है बेसिक क्वालिफिकेशन, ये आपका होना चाहिए 10th, या फिर जिसको आप लोग मैट्रिक बोलते हैं, 10th या फिर मैट्रिक बोलते हैं, यही आपका मैट्रिक यानी कि 10th इसका बिल्कुल बेसिक क्वालिफिकेशन है। अगर कोई आपको बोलता है इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएशन, ऐसा कुछ बात नहीं है, कम से कम आपका मैट्रिक होना चाहिए। अब हम बात करते हैं मैट्रिक में कम से कम कितना परसेंटेज से आपका पासिंग होना जरूरी है। तो रेलवे भर्ती बोर्ड ने ऐसा कभी नहीं बोला है कि कम से कम आपको 40 या 50% नंबर चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक में पासिंग मार्क हुआ होना बिल्कुल जरूरी है, पासिंग ही चाहिए, चाहे आप 40% पास हो, 35% पास हो, 45%, जो भी आपको सिर्फ और सिर्फ पासिंग चाहिए, कहीं पर ऐसा कुछ जिक्र नहीं है कि इतना परसेंट नंबर होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये होता है कि उसका किसी एक या दो पेपर में क्रॉस लग जाता है, तो वो दोबारा से एग्जाम देकर उस क्रॉस को क्लियर कर लेते हैं, ऐसे स्टूडेंट भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं। तो वैसे स्टूडेंट भी बिल्कुल भर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया, फिर आप अगले एग्जाम को दे, उसका जो एग्जाम होता है उस एग्जाम को देकर के फिर अपने सर्टिफिकेट बिल्कुल क्लियर कर लिया, फिर आगे की पढ़ाई आप जारी रख रहे हैं, तब भी आप बन सकते हैं लोको पायलट, कोई भी आपको नहीं रोकेगा नहीं टोकेगा। तो ये आपका बिल्कुल बेसिक क्वालिफिकेशन। आप इसमें बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि हम मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट करने के बाद बनेगा, फिर ग्रेजुएशन के बाद बनेगा, ऐसा कुछ नहीं, बस आपको सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक ही चाहिए, मैट्रिक के बाद आपने कुछ भी कर लिया तब भी चलेगा। चलिए ये चीज आपका हो गया क्लियर, अब हम आगे बढ़ते हैं, और अगला जो टॉपिक है हमारा वो है आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन। देखिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन फॉर लोको पायलट एग्जामिनेशन, देखिए लोको पायलट एग्जामिनेशन के टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपकी क्या सा होना चाहिए क्या होना चाहिए। तो देखिए लोको पायलट बनने के लिए आपका कम से कम ITI का होना जरूरी है। देखिए लोको पायलट जो है वो 10th+ITI का जो पोस्ट है, ग्रुप सी का पोस्ट है, तो आपका सबसे जरूरी है आपका ITI का हो जाना, ITI सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोको पायलट बनने के लिए। अगर आपके पास ITI नहीं है तो क्या बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि ITI के साथ अप्रेंटिस करना जरूरी है क्या, ITI के साथ अप्रेंटिस करना जरूरी नहीं है। अगर आप कर लेते हैं तो आपको प्राइवेट कंपनियों में नौकरी के ज्यादा चांसेस बनते हैं, इसलिए लोग अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं। वैसे ITI के बाद अप्रेंटिसशिप कोई जरूरी नहीं है, तब भी चलेगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, तो ITI या फिर आप देखिए डिप्लोमा या फिर बीटेक या फिर इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं, बीटेक या फिर BE, या फिर एक और तरीका होता है टेक्निकल क्वालिफिकेशन का जो कि होती है 12+ अप्रेंटिसशिप, इसके बारे में देखें, ये सब टॉपिक के बारे में बात करता हूं कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, ITI होना चाहिए। अब देखें ITI में भी बहुत सारे टाइप के ITI, और आप करने जाते हैं आपको बहुत सारे ट्रेड से ITI करने का आपको ऑप्शन मिलता है, लेकिन इसमें से सिर्फ और सिर्फ 16 ITI ट्रेड को ही मान्यता मिल पाती है कि वो ही लोको पायलट बन सकते हैं। इसके बारे में एक स्पेशल सा वीडियो मैंने बना रखा है, आप हमारे चैनल पर आइए, वहां से आप लोग जान लीजिए कि इसका क्या होना चाहिए, या फिर आप क्वालिफिकेशन फॉर लोको पायलट या फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन फॉर लोको पायलट यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगी। तो देखिए ITI जो सबसे टॉप 4 जो ट्रेड होती है जिससे कि लोको पायलट बिल्कुल बन सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ITI करने जा रहे हैं तो आपकी सबसे पहले डिमांडिंग होना चाहिए कि आप इलेक्ट्रीशियन से, आपको अगर ITI मिल रही है तो आप कर लीजिए। उसके बाद
उसके बाद आपको अगर इलेक्ट्रीशियन नहीं मिले तो आपको फीटर से कर लीजिए, फीटर नहीं मिले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सीधे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इन रेडियो टीवी। दोनों से करने पे लोको पायलट बनते हैं, लेकिन आप कीजिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से, रेडियो टीवी नहीं कीजिए, वो बात तो लास्ट कंडीशन में आप कर सकते हैं रेडियो टीवी से भी। ये आपका तीसरा और चौथा जो सबसे टॉप जो आईटीआई का जो ट्रेड जिससे आप लोको पायलट बन पाएगा वो है आपका कौन सा, वो है डीजल मैकेनिक। ये सिर्फ और सिर्फ एक साल की होती है आईटीआई, इस डीजल मैकेनिक से अगर आप आईटीआई करते हैं तब भी आप लोको पायलट बन पाएगा। अगर आपकी एज ज्यादा हो रही है तब आप डीजल से कर लीजिए तो आपको एक साल का फायदा मिल जाएगा। तो ये आपका आईटीआई, एनसीबीटी सर्टिफिकेट चलेगा कि एससीबीटी सर्टिफिकेट चलेगा, तो मैं आपको बता दूं लोको पायलट बनने के लिए एनसीबीटी और एससीबीटी दोनों सर्टिफिकेट चलता है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आती है। उस पर सरकारी से आईटीआई करें या फिर प्राइवेट से आईटीआई करें, सरकारी से आप आईटीआई करने जाइए तो आपको अपने स्टेट में आपको एक एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद आप बन पाइएगा, आप आईटीआई कर पाइएगा। एंट्रेंस टेस्ट में आपका अगर अच्छा मार्क है तो आप जो भी मैंने आपको बताया आईटीआई ट्रेड इससे आप कर लीजिए आईटीआई। अगर आप उस एंट्रेंस टेस्ट को आप पास नहीं कर पाइएगा तो आप प्राइवेट से आईटीआई कर सकते हैं, और प्राइवेट से जब आईटीआई कीजिए देखिए वो बहुत बड़ा सा कॉलेज हो उसका मान्यता हो, उससे पहले वाले स्टूडेंट से बात कर लीजिए क्या उसको कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं आई। और वैसे अभी एनसीबीटी जो प्राइवेट से करते हैं एनसीबीटी साथ आपको मिल जाती है सर्टिफिकेट जो आईटीआई की, तो एनसीबीटी एससीबीटी कुछ भी चलेगा, प्राइवेट सरकारी कुछ भी चलेगा, बस आप आईटीआई कर लीजिए। इसके बाद आपको आईटीआई में कितना परसेंटेज होना चाहिए तो इसमें भी मिनिमम परसेंटेज है, कहीं पर कोई चर्चा नहीं है कि आपको कम से कम इतना परसेंट चाहिए, आपको कितना भी परसेंट चाहिए वो आपको हो जाएगा। वैसे किसी भी आईटीआई में आपको 60% से ऊपर ही आपको नंबर मिल पाती है। अब ये देखिए डिप्लोमा या फिर बीटेक या फिर बीई में आपका कौन सा ब्रांच होना चाहिए, तो देखिए लोको पायलट का जो पोस्ट है वो बिल्कुल मेन रूप से आईटीआई के स्टूडेंट के लिए ही है, और आईटीआई के जो ट्रेड से सिमिलर अगर आपका ब्रांच है तब बन पाएगा लोको पायलट, जो कि डिप्लोमा बीटेक या फिर बीई में अगर आपका है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन अगर है तब भी बन पाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स है तब भी बन पाएगा, इसके अलावा आपका मैकेनिकल है तब भी बन पाएगा, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है तब भी आप बन पाएगा, सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर आईटी सेक्टर वाले लोको पायलट नहीं बन सकते, चाहे वो आईटीआई का ट्रेड हो या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग का ब्रांचेज हो। इसके बारे में आपको सारा कुछ क्लियर हो चुका है। अब देखिए हम बात करते हैं अपियरिंग कैंडिडेट भाग ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते। तो जब तक आपका एग्जाम का फाइनल एग्जाम का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप भाग नहीं ले सकते इसमें। वैसे आईटीआई के स्टूडेंट के लिए एक सुविधा मिलती है, अगर आपका फाइनल एग्जाम आप दे चुके हैं रिजल्ट अभी नहीं आई है लेकिन वैकेंसी निकल गई तब आप अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तब आप फॉर्म डाल सकते हैं उस कंडीशन में अपियरिंग में, उसको मान्यता दे रहा है। तो चलिए ये मान्यता फिलहाल में डिप्लोमा बीटेक बीई ये सब स्टूडेंट नहीं है। अब हम जानते हैं कि डिप्लोमा बीटेक बीई आईटीआई अगर आप नहीं किए, आपने 12 किया प्लस में जो मैंने बोल इलेक्ट्रीशियन से यानी कि आईटीआई से संबंधित जो भी ट्रेड है उससे संबंधित विषयों में अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर लिया है मतलब बिल्कुल मान्यता प्राप्त संस्थान से तब भी आप लोगों को पायलट बन पाएगा, जो कि 12 के बाद होती है अप्रेंटिसशिप, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो ये रहा आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन। अब हम बात करते हैं आगे के कुछ और